टीकमगढ़ में पुलिस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमार मंगलम की पत्नी के तीनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार तीनों आरोपी दिल्ली के निवासी बताए जा रहे हैं। इनके पास लूट का सामान भी बरामद किया गया है। जतारा थाना पुलिस ने दिल्ली पुलिस की मदद से 6 जुलाई को पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमार मंगलम की पत्नी के हत्यारों और लुटेरों को माल सहित गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपी दिल्ली के निवासी हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों राजू धोबी, राकेश और सूरज ने सबसे पहले बंगले पर काम करने वाली नौकरानी के साथ बर्बरता से मारपीट की, के बाद रात 8:30 बजे पूर्व केंद्रीय मंत्री की विधवा 70 वर्षीय की हत्या कर लाखों का माल लेकर चंपत हो गए। जतारा SDOP योगेंद्र सिंह भदौरिया ने मामले को गंभीरता से लेते हुए टीम का गठन किया और रात करीब 2 बजे दबिश देकर आरोपी को उसकी ससुराल से गिरफ्तार कर लिया। वहीं 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपियों के पास से करीब 33 लाख का लूट का सामान भी बरामद हुआ है। आज दिल्ली से SI अशोक कुमार, वसंत विहार थाना साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के नेतृत्व में टीम दिल्ली से हमारे थाना जतारा आई। उनके द्वारा बताया गया कि 6 जुलाई को पूर्व कैबिनेट मंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय के मंत्री थे, उनकी पत्नी केटी मैडम का की कुछ लोगों ने हत्या कर दी है। और 6 जुलाई से इन लोग, ये टीम उस आरोपियों की तलाश में थी, जिसमें से एक आरोपी जिसका नाम सूरज बोलते हैं वह टीकमगढ़ में आया हुआ है और बलदेवपुरा उसकी लोकेशन मिल रही है, जिसके पास करीब सोना चांदी है, 1 किलो के लगभग सोना चांदी है और वह फरार चल रहा है। इस संबंध में मेरे SP सर के निर्देशन में और DIG सर के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें हमारे थाना प्रभारी त्रिवेंद्र त्रिवेदी, रवि सिंह कुशवाहा सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर अजय सिंह द्वारा तत्काल तुरंत कार्रवाई की गई। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।